हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप आए हैं शालिनीज किचन में। तो दोस्तों, आज की मेरी ये जो रेसिपी है, ये दिवाली स्पेशल स्वीट्स की रेसिपी है जिसे मैंने बहुत ही कम टाइम में बनाई है। आप मेरी इस रेसिपी को इस दिवाली या किसी भी ओकेजन पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने एक पैन ली है जिसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है और साथ में ऐड कर दी है ये बारीक वाली सूजी। 5 मिनट के लिए आप इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो सूजी हमारी ड्राई रोस्ट हो गई है। नेक्स्ट मैंने ऐड किया है ये कुटी हुई काजू। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उबली हुई गाय की दूध। फ्लेम को लो पे रखिए और लगातार चलाते हुए हम इसकी एक डो फॉर्म होने तक इसे कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी डो रेडी हो गई है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। चलिए क्विकली इसे किसी और कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे निकाल लिया है और इसे अब हम साइड पर रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। चलिए दोस्तों, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन में पानी ऐड की है और साथ में ऐड कर रही हूँ चीनी। इसे हम मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे और पानी में चीनी घुल जाए बस हम इतने ही इसे बॉईल करेंगे। फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कुटी हुई इलायची। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और ये देखिए दोस्तों, हमारी चाशनी रेडी हो गई है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप पे। हमारी ये जो डो है ये ठंडी हो गई है, तो अब मैंने ऐड की है घी और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ में ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब मैदा। मैदा बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी, तो आप भी मैदे को जरूर से ऐड करें। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और ये देखिए, हमारी डो रेडी हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे चकले बेलन की सहायता इसे बेल के एक रोटी टाइप की तैयार कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से चकले को घुमा घुमा के आप इसकी एक राउंड रोटी टाइप की तैयार कर लीजिए। तो ये हमारी रोटी रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने ली है ये कुकी कटर। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप किसी डिब्बे के ढक्कन को भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसे बहुत ही आसानी से एक बार में बहुत सारी तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी थिकनेस, ये तैयार हो गई है। तो मैंने सारी टिक्की तैयार कर ली है। कुछ को मैंने इस तरीके से हार्ट शेप दी है जो कि मेरी डॉटर की फेवरेट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है और जितनी टिक्की आ सके उतनी आप तेल में डाल के मीडियम फ्लेम पे इन्हें अच्छे सुनहरी कलर की हो जाए तब तक तल लीजिए। हमारी सारी टिक्की बहुत ही बढ़िया कुक हो गई है, तो इसे मैंने निकाल लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हम चाशनी में डाल देते हैं। स्पून के सहायता इसे इस तरीके से डिप कर दीजिए और 5 to 7 मिनट्स के लिए आप इसे चाशनी में ही रहने दीजिए। इसे ये बहुत ही जूसी और टेस्टी बनेगी और आप इसे गर्म या ठंडी सर्व कर सकते हैं। ये दोनों ही तरह से खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।